पहले ना फटाक से हल्दी चौड़ के जितने भी हमें कार्ड बांटने हैं कार्ड बांटना, उसके बाद फिर हमें एक शादी भी अटेंड करनी है। तो हेलो जी गाइज, गुड मॉर्निंग, आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया हो गए और एक नए दिन के साथ मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो गाइज अभी बजे सुबह के 10 और गाइज मैं आ गया था कल पहाड़ से हल्द्वानी फाइनली अपने घर। तो बाकी ना गाइज कल एक्चुअली मैं कल व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि ना कल मुझे थोड़ा सा वहाँ काम वाम था। तो फाइनली मैं वहाँ से 4 बजे निकला और मैं यहाँ रात को 8:30 बजे पहुँचा था। तो फाइनली जो घर में पहुँचा ना, फाइनली घर पहुँचते पहुँचते मुझे 10 या 11 बजे थे। तो गाइज कल मैं व्लॉग नहीं बना पाया उस वजह से, तो फाइनली गाइज के लिए सॉरी गाइज सॉरी, क्योंकि ना मुझे एक अर्जेंट काम था वहाँ पे। तो फाइनली वो काम होते होते गाइज शाम हो गई थी, तो इस वजह से वो काम मतलब कुछ डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम था, तो फाइनली वो मेरा हो नहीं पाया। तो फाइनली उसी वजह से ना गाइज मुझे लेट हो गई थी और मैं व्लॉग मैंने ओपन किया था लेकिन मतलब मैंने स्टार्ट तो किया था लेकिन मैं आगे नहीं बना पाया, तो गाइज उसके लिए सॉरी। तो बाकी गाइज फाइनली बज गए 10 और आज का व्लॉग मैंने कर दिया स्टार्ट। तो फाइनली हल्द्वानी पहुँच गया हूँ और बाकी ना यहाँ का जो मौसम है पहाड़ से काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ तो अभी पहाड़ से कम ही ठंडा हो रहा है। बाकी गाइज अभी जो है ना अभी 10 बज गए और गाइज मैं अभी मतलब सुबह उठ के मैं जल्दी उठ गया था। बाकी अभी मैं गया था थोड़ी देर पहले कुछ कार्ड वार्ड बांटने थे और यहाँ आते ही ना शादी के जो मतलब शादी की जो तैयारियाँ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। फाइनली मुझे कार्ड वार्ड बांटने के लिए दे रखे थे कल रात को ही, तो फाइनली मैंने अभी सुबह कुछ कार्ड तो मैंने बांट दें और कुछ कार्ड मुझे बांटने उधर साइड यहाँ की साइड को तो मैंने कार्ड बांट दें और बाकी कुछ कार्ड मुझे अभी वहाँ जाके बांटने। और आज शायद हम जा सकते हैं बुआ लोगों के वहाँ और शायद हम जा सकते हैं कार्ड गोदाम की साइड को भी जा सकते हैं। तो आज हमें कई जगह कार्ड बांटने हैं, तो फाइनली आज जो हमारा काम होने वाला है वो कार्ड बांटने का काम होने वाला है। तो बाकी गाइस आज का जो व्लॉग है वो एकदम मस्त होने वाला है, ट्रिप मतलब हम उसमें घूमेंगे इधर उधर भी। फाइनली अभी तो मैं घर पे हूँ और पहले आपको दिखा दूँगा गाइस अपने घर के ऊपर का चारों तरफ का एक व्यू मस्त था। पहले गाइस आप व्यू देखिए। तो बाकी गाइस कुछ छत का इस तरीके का व्यू हो रहा है, देखो आज मस्त धूप आ रही है, मतलब हल्के हल्के बादल भी लगे। और गाइस यहाँ देखो हमने इतनी यहाँ देखो अमा लोग ने मिर्च सुखा रखी है, यहाँ गाइस गेहूँ सुखा रखे हैं, वहाँ भी मिर्च है, वहाँ भी मिर्च है, वहाँ भी मिर्च है। और यह है सोयाबीन की दाल जो कि हमारे खेत में हुई थी। बाकी गाइस खेत का कुछ इस तरीके का व्यू है, देखो सारे हमारे जितने भी खेत ना मतलब बूबू लोगों के हमारे सभी लोगों ने अपने अपने खेत जोत दिए हैं और अब यहाँ लगेंगे गेहूँ। तो फाइनली हमने भी अपना खेत जोत दिया है और कुछ समय बाद अपना 2-4 दिन बाद इसमें गेहूँ लग जाएंगे, मतलब सबके खेतों में ना जुताई हो गई है। फाइनली आप हमारे खेतों में गेहूँ लगेंगे कुछ समय बाद, मतलब 2-3 दिन बाद। और बाकी अब जाते हैं नीचे और भाई कई दिनों बाद आज घर पे ब्लॉग शूट हो रहा है यहाँ। फाइनली वैसे ही मैं 14-15 दिन रहा था भाई पहाड़, फाइनली यहाँ के ब्लॉग तो आ ही नहीं पाए थे। तो बाकी अब जो है ना अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो व्लॉग है वो पर डे आए या मतलब 2 दिन में एक व्लॉग आ ही जाए। और गाइस आने वाले जो व्लॉग है उसमें आपको मामा जी की जो शादी है उसका अरेंजमेंट वगैरह और उसमें बहुत सारे जो हम काम करेंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं। और शायद हम अभी हम शॉपिंग पर भी जाने वाले हैं, फाइनली कुछ लोगों ने तो शॉपिंग कर लिया शादी की लेकिन अभी मैंने और बहुत सारे लोगों ने नहीं किए। तो फाइनली जब हम जाएंगे तो वाला व्लॉग भी बनाएंगे। बाकी देखो अम्मा जी से मिलो, कई दिनों बाद आज अम्मा भी व्लॉग मार रही है और अम्मा भी लगा रही है पोछा लगा रही है गाइस। और बाकी ना बाकी देखो नीरज से मिलो और बाकी अभी हमें सिलेंडर भी भरवाना है, आज हमारा सिलेंडर भी ख़त्म हो गया। तो फाइनली इसे हमें लेके गैस गोदाम से भरवा के भी लेके आना है। तो फाइनली वैसे तो हम जा रहे हैं मामा के वहाँ, तो फाइनली वहाँ जा रहे हैं और आमा से मिलते हैं। आमा नमस्ते, ठीक है हम अभी आते हैं शाम को आएंगे। तो बाकी मेरे साथ नीरज भी जा रहा है और हमें सिलेंडर भी लेके आना है। तो फाइनली ना आते वक्त हम सिलेंडर भी भरा के ले आएंगे। तो बाकी आज मैं आया था मामा की बाइक से अपाची से, तो इसी को लेके जाएंगे अब हम। बाकी गाइस फाइनली हम पहुंच गए मामा लोग के वहाँ और यहाँ देखो भाई पूरे घर में हो गया पेंट। तो फाइनली इस बार भी ना ग्रीन पेंट हुआ है और एकदम भाई मस्त लग रहा है, फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा। और बाकी शादी की जो तैयारी है ना वो मस्त तरीके से चल रही है एकदम बढ़िया करके। तो बाकी पेंट वेंट तो सारा निपट ही गया है। मिलो आप सोना से मिलो, बैनी से मिलो। हेलो गाइस बोलो आप, हेलो गाइस कैसे हो आप लोग, कैसे हो आप लोग। तो बाकी गाइस देखो सोना सोना तो एकदम मस्त हो रही है। देवांश कहाँ है? हाँ बैनी मेरी बहनी एकदम मस्त हो रही है। बाकी गाइस देखो हमारा एक अरे गिर गई थी बहनी। और बाकी ना हमारी गाय का एक बच्चा दिखाओ आपको छोटा सा, ये देखो आ जाओ बहनी, ये देखो गाइस कितना प्यारा सा हो रखा है, छोटा छोटा सा। इसका नाम क्या है सोना बताएगी आपको? छोटू। इसका नाम छोटू रखा हमने, छोटू। आओ यहाँ, वो नहीं मारता वो अच्छा है। ये देखो कितना प्यारा सा है, प्यारा सा है। किसके लिए लेके आयो गुची जी? तो बाकी ये लो, ये मत लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ।
तो गाइस फाइनली 3 बज गए और बाकी ना अब हम जाने गए इस कार्ड बांटने के लिए हल्दू चौड़ की तरफ। तो आज हम जाने वाले हैं खजान भाई के वहाँ और विशाल भाई के वहाँ। बहुत सारे जो मतलब हल्दू चौड़ के जितने भी कार्ड बांटने ना वो हमने अभी बांट रहे हैं। और भाई देखो कई दिनों बाद आज मिल रहे हैं हमें ऋतिक भाई। ऋतिक भाई हेलो बोल दो सबको। हेलो। तो बाकी ना बाकी रुद्र को देखो, रुद्र भी आराम कर रहे हैं और बाकी देवांश भी अभी अभी आ रहे हैं, उठ रहे कल से अभी मिल रहे हैं देवांश हमें। देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारे देवांश भाई जा रहे हैं शादी में। तो फाइनली ना अभी पहले तो हम लोग कार्ड बांटने जा रहे हैं हल्दू चौड़ और उसके बाद फिर हम जाएंगे शादी में। पहले ना फटाक से हल्दू चौड़ के जितने भी हमें कार्ड बांटने हैं कार्ड बांटने हैं और उसके बाद फिर हमें एक शादी भी अटेंड करनी है। तो फिर हम शादी में भी जाने वाले हैं। तो पहले फटाक से जाके कार्ड बांटते हैं। फाइनली हम लोग हल्दू चौड़ पहुंच गए और बाकी हम सबसे पहले यहां से स्टार्टिंग करें खजान भाई के वहाँ। तो पहले जाते हैं खजान भाई के वहाँ, देखते हैं हमें खजान भाई मिलते हैं या नहीं मिलते, क्या होता है हमारे साथ। तो बाकी गाइस मिलिए हमारे खजान भाई से और इनको देखो गाइस। भाई बंदे ना मतलब बर्थडे की पार्टी नहीं दे रहे गाइस। मतलब बर्थडे कितने तारीख को था? 25 नवंबर। और गाइस आज कितनी हो गई है? आज 20 हो गई है ना, 25 अक्टूबर। सॉरी 25 अक्टूबर को बंदों का बंदे मतलब बर्थडे है और आज भाई 20 तारीख से ऊपर हो गई लेकिन बंदे पार्टी कराने को राजी नहीं है भाई। ये गाइस वही बंदे जो उस दिन हमें स्पार्टन में मिले थे और जिन्होंने दो दो पिज्जा अकेले खाए थे। मैं चाहता हूँ कि 25 अक्टूबर का मेरा बर्थडे था, 25 नवंबर हो गया, ऐसे ही योगेश भाई मेरे। विशाल भाई, विशाल भाई पोपट हो रहा है। देखो विशाल भाई आ गए। ठीक है। 4-5 को और तुम्हें मेरी तरफ से भी इनविटेशन है, 4-5 को आ जाना। ठीक है, बढ़िया बढ़िया तरीके से। भाई ये चाय पीने आया मैं बता रहा हूँ। ये चाय के इरादे से आया, ये चाय के इरादे से आया मैं बता रहा हूँ। देखो वैसे भी हमने थोड़ा सा ना विशाल भाई को परेशान कर दिया। विशाल भाई से हमने चाय बनवा ली। विशाल भाई ने भाई विशाल भाई को पहले तो बहुत बहुत थैंक यू विशाल भाई का थैंक यू क्योंकि उन्होंने विशाल भाई को थैंक यू वो एक्चुअल में ना मतलब विशाल भाई को थैंक यू यार क्योंकि उन्होंने हमारे लिए भाई खुद चाय बनाई है। फाइनली हम लोग विशाल भाई के वहाँ से निकल गए और अभी हमें 2-3 जगह और इन्विटेशन कार्ड देने। खजान भाई तो जाने, खजान भाई बाय 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 मतलब सॉरी। तो भाई खजान भाई गए, बाकी अब हमें जाना है, हमें तो कार्ड ही बांटने। खजान भाई तो मस्त, खजान भाई का एक भाई दोस्त आया और खजान भाई चले गए। हम लोग घर पहुंच गए और फाइनली बज गए 4:30 और अब हम जा रहे हैं पार्टी में। तो सोना गई थी शादी से, वो क्या गई, क्या खाया है शादी में, क्या खाया पूछ रहा हूँ। शादी में ना हप्पा खाया भाई। तो हम लोग भी जा रहे हैं अब थोड़ा सा, हमें ना एक शादी में जाना है तो वहाँ पे तो जा रहे हैं अभी, देखते हैं वहाँ। आज वैसे तो महिला संगीत है, फाइनली हम लोग जा रहे हैं। ज्यादा लोग नहीं निकाल। और बाकी देखो नानी भी आ गई और नानी जी भी आ गए ड्यूटी से। नमस्ते। और हाँ देखो मम्मी जी आ गई है, मम्मी जी निकालनी है गाय का दूध क्योंकि हमारी जो ना एक गाय भी आ रखी है तो मम्मी जी तो दूध निकालनी है। और बाकी दूसरी वाली यहाँ चिल्ला रही है। तो बाकी ना हम जा रहे हैं शादी में, पहले हम बाइक से जाते लेकिन बाइक से अब हम नहीं जा रहे हैं। फाइनली पास में शादी है तो हम पैदल ही जा रहे हैं। एक्चुअली बाइक से ना सानवी भी हमारे साथ आ रही थी तो भाई वहाँ वो हमें परेशान कर देगी तो इसलिए हम पैदल ही जा रहे हैं। बाकी गाइस फाइनली हम लोग शादी में पहुँचने वाले हैं और ये देखो कुछ इस तरीके का व्यू है शादी का। अब भाई अंदर शूट हो पाएगा तो शूट करेंगे वरना देखते क्या होता अंदर जाके। बाकी गाइस फाइनली वहां उस साइड को तो मतलब वो चल रहा है, क्या कहते हैं आपका पहला संगीत। बाकी हम मस्त तरीके से चौमिन पे चौमिन खाए जा रहे हैं। देखो फाइनली जितने भी लोग हैं सभी लोग चौमिन खा रहे हैं मस्त तरीके से। चौमिन का टेस्ट कैसा रहा वो तो हम बाद में बताएंगे आपको, पहले खा लेते हैं लेकिन पब्लिक प्लेस में नहीं बताएंगे, पता चल रहा है तो पीट भी सकता भाई। तो
दी।